अपना फिनाले ना विक्रम 7 महीने से चल रहा है इंडियन आइडल 13 रियलिटी शो के नाम पर ये कैसा मजाक। आपको जानकर हैरानी होगी, इंडियन आइडल पिछले 7 महीने से चल रहा है। आलम ये है अभी भी इसका ग्रैंड फिनाले कब होगा इसकी खबर नहीं है। शो के ऑडियंस जुलाई 2022 से शुरू हुए थे, 10 सितंबर 2022 को शो ऑन एयर हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स में शो को फिनाले डेट 2 अप्रैल 2023 बताई जा रही है। शो के चलते हुए 7 महीने हो गए हैं, इतने समय में ड्रामा शोज भी खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तानी शोज की हो देख लीजिए, जितना लंबा इंडियन आइडल को खींचा गया है उतने में 2 पाकिस्तानी शो टेलीकास्ट होकर खत्म हो जाते हैं। सुनने में आया है शो का फिनाले 1-2 अप्रैल को होगा। ये फिनाले एपिसोड बहुत ग्रैंड होने वाला है जो 2 दिनों तक चलेगा। इंडियन आइडल 13 की जर्नी देख अगर ये कहें कि मेकर्स ने शो को जबरन लंबा खींचा है तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो कंटेस्टेंट के एविक्शन के नाम पर ऐसा गेम खेला गया जिसके आगे बिग बॉस भी फ्लॉप हो गया, कई हफ्ते एविक्शन को मिस किया गया। आलम यह है कि 7वें महीने में शो को टॉप 6 मिले हैं। 10 सितंबर 2022 को ग्रैंड ऑडिशन में 15 कंटेस्टेंट को सेलेक्ट किया गया है। इन सभी में से 25 मार्च 2023 को टॉप 6 कंटेस्टेंट का सिलेक्शन हुआ है। बीते एपिसोड में संजीतू दास एलिमिनेटेड हुई है। अब इन टॉप 6 में से ही कोई एक शो का विनर बनेगा। इंडियन आइडल 13 के फाइनल लिस्ट कंटेस्टेंट में सोनाक्षी कर, शिवम सिंह, ऋषि सिंह, चिराग कोटवाल, विदुक्ता चक्रवर्ती, देवोस्मिता राय शामिल हैं। इन 6 दावेदारों में से अयोध्या के ऋषि सिंह के शो जीतने के सबसे ज्यादा चांस नजर आते हैं। रियलिटी शो को हिमेश रेशमिया, विशाल डडलानी जज कर रहे हैं। नेहा कक्कड़ भी पहले शो को जज कर रही थी, उम्मीद है वे जल्द कमबैक करेंगी। आदित्य नारायण देश के मशहूर रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हैं। वैसे गाइज आपकी क्या राय है इंडियन आइडल 13 को लेकर, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सो प्लीज गाइज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।